स्पेशली कंप्लेंट्स ये कंप्लेन्ट्स कराई जाती हैं कि हमारी बेटी को कोई व्यक्ति अगवा करके ले गया है या उसकी किडनैपिंग कर ली गई है या उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा के कोई छोटी सच्ची एक कंप्लेंट थाने में रजिस्टर्ड करा देते हैं और जिसके बाद थाने में कुछ सोर्स और सिफारिश लगाकर लड़के के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है उसके ऊपर कॉल कराई जाती है उसके थाने में पेश होने के लिए उसको फोर्स किया जाता है और ऐसी सिचुएशन में लड़का लड़की बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं हमने ये भी देखा है कि ऐसी सिचुएशन में वो गलत हाथों में चले जाते हैं गलत एडवाइस फॉलो करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि इस सिचुएशन में उन्हें करना क्या है फ्रेंड सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़का अगर 21 साल का है लड़की 18 साल की है वो दोनों एक दूसरे से बिना किसी की मर्जी लिए बिना किसी की परमिशन लिए एक दूसरे से शादी कर सकते हैं ये आपका संवैधानिक अधिकार है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कि कोई भी लड़का लड़की हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर वो रहते हैं जिन जो बालिक हैं उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है किसी को किसी बिना किसी जोर जबरदस्ती दबाव के वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं लेकिन समाज के नियम अलग हैं और कानून के नियम अलग हैं समाज अपनी तरह से सोचता है और कानून अपनी तरफ से सोचता है लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन किसी कपल के सामने अराइज होती है तो उस सिचुएशन में इस कपल को क्या करना चाहिए आइए मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास जब आप अपने शादी करने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपके पास एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ जरूर होना चाहिए ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर सकें नंबर टू आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपकी क्लास की मार्कशीट हो हो सकती है है आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट सकता है, जिसे जन्मपत्री कहते हैं पासपोर्ट भी हो सकता है और आपके राशन कार्ड भी हो सकता है ये वो चीजें डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर एज ए बर्थ प्रूफ आप यूज करते हैं तीसरी चीज ये है कि जहां आप शादी करना चाहते हैं वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए यानी कि अगर आप हिंदू मैरिज uh, एक्ट के हिसाब से शादी करना चाहते हैं तो आप हिंदू लॉ के हिसाब से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आर्य समाज मंदिर में शादी करिए अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराइए आप अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से शादी करना चाहते हैं तो किसी काजी से अपना निकाह करवाइए उस मैरिज को भी आपको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए हालांकि रजिस्ट्रेशन कराना मुस्लिम लॉ में कंपलसरी नहीं है और अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो वो किसी एक जगह पर चाहे वो लड़के की जुरिस्डिक्शन में जहां लड़का रहता है या लड़की की जुरिस्डिक्शन में जहां लड़की रहती है किसी भी एक रजिस्ट्रार के यहां पर अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहला काम यह है कि आपने शादी कर ली है अब शादी करने के बाद आपको खतरा है कि माँ बाप कहीं ना कहीं हम दोनों को अगर हम पकड़े गए तो हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं हमारे साथ मारपिटाई हो सकती है और कुछ मामलों में हत्या भी हो सकती है अब आपको करना यह है कि जिस भी स्टेट के अंदर है आप हैं सपोज आप दिल्ली के अंदर हैं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर आप किसी भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के थ्रू आपको एक रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी है जिसके अंदर आपके एडवोकेट ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये प्रेयर करेंगे कि ये दोनों बालिग हैं व्यस्क हैं दोनों दिमागी तौर पर ठीक हैं एक दूसरे से शादी कर चुके हैं माँ बाप इनके खिलाफ है और इनकी जान और माल को खतरा है इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ऐसे मैटर्स के अंदर ऑनरेबल हाईकोर्ट बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही स्विफ्टली बहुत तेजी के साथ एक्शन लेती है और जिस भी थाने पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में वो कपल रह रहा है सपोज वो दिल्ली के किसी एक इलाके के अंदर रह रहे हैं तो वहां के एस को स्पेशली डायरेक्शन दी जाती है कि ऐसे कपल की सुरक्षा की जाए और आमतौर पर देखा ये गया है कि जैसे ही ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शंस होती हैं पूरा पुलिस स्टेशन उसका स्टाफ एक्टिव हो जाता है और उस कपल को वो लगातार मॉनिटर करते रहते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो फ्रेंड्स ये मैंने एक पूरा प्रोसीजर आपको बताया है कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उन्हें समाज में किसी से अपने परिवार से या किसी अन्य व्यक्ति से खतरा है तो वो दिल्ली यूपी राजस्थान पंजाब देश के किसी भी हिस्से के ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास जाकर वहां पर किसी भी एडवोकेट के थ्रू ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है एक सही गाइडेंस से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं वक्त भी बचा सकते हैं और आप बड़े होने वाले नुकसान से भी खुद को बचा सकते हैं आई होप आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसके बावजूद भी कोई मन में आपके डाउट है आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए इसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक